हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एंड एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ टॉक शो विद सलमान प्राचा। मैं अपने तमाम नौजवानों को और यंग यूथ को आज वेलकम करता हूँ एक दफा फिर से। आज मुझे जब मैंने इनकी स्टोरी पढ़ी और स्टोरी जिस तरीके से मैं पढ़ता गया उस तरीके से स्टोरी में बहुत ही मजेदार किस्म का क्लाइमेक्स आता गया और फिर क्लाइमेक्स के साथ साथ एक मेरे ऊपर एक अजीब सी एक कैफियत तारी होने लगी कि एक ऐसा शख्स जो अपनी डिसेबिलिटी को किसी भी किस्म का उसको पीछे रखते हुए पता नहीं जर्नलिज्म क्या, तो बड़े बड़े लोग जो है वो बड़ी बड़ी उम्रों में जाके जर्नलिज्म में आते हैं, ये अभी से जर्नलिज्म में आ चुके हुए हैं। उसके बाद यंग इंस्पिरेशनल अवार्ड 2017 एक किताब लिख चुके हुए हैं, दूसरी किताब की तैयारी के अंदर है, साथ के साथ एनजीओ चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं से पूछेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और ये सब कुछ कैसे हो रहा है। सो आई वेलकम यू ऑल टू मोहित शोकत। आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने शो के अंदर। मोहित शोकत, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। सलमान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। थैंक यू मोहित। ये बताओ कि ये डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी को अगर कोई और शख्स आपकी जगह पे होता तो वो तो शायद अब तक हार मानकर घर बैठ चुका होता। जिंदगी में किसी चीज ने रोका नहीं इतना आगे बढ़ने से, किताब भी लिख डाली, जर्नलिज्म भी आगे, सबसे यंग इंस्पिरेशनल अवार्ड भी अचीव कर लिए 2017 में और जर्नलिस्ट की भी कैटेगरी में आ गए। ये सब कुछ कैसे हो गया, किस तरह हुआ, क्यों हुआ, किस चीज ने मोटिवेट किया कि यार नहीं मुझे इस सब चीज को पीछे रखना है, डिसेबिलिटी को, और कोई डिसेबिलिटी नहीं है, मैंने आगे बढ़ना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सलमान भाई, हमारा जो माइंड है ना, वो हमें अगर हम लोग अगर अपने माइंड से पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो वही चीज़ हमें जो है ना आते जो है ले जाता है। मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा एंकरेज किया आगे जाने के लिए, क्योंकि ना अल्लाह शुक्र अल्लाह ने मुझे ना बहुत अच्छे पेरेंट्स दिए। उन्होंने मुझे जब मैं डिप्रेस होता था मुझे वो कहते नहीं बेटा आपने डिप्रेस नहीं होना, अल्लाह ने आप तो यहाँ भेजा तो उसके पीछे जरूर से मकसद है, तो डिप्रेस मत हो, अल्लाह तो मस्त तो दे दो, आप दे दो तायनात अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह ने इतने लोग बनाए हैं, हर बंदा यूनिक है, तो अल्लाह ने भी आप जो डिफरेंस किया पैदा, तो जब अल्लाह ने आपको तो डिफरेंस किया पैदा ना, तो मेरा काम भी डिफरेंट करो। तो ये जो था सेंटेंस, इसने जो मुझे बड़ा ज्यादा मोटिवेट किया। दूसरी चीज ये थे, जब भी मैं डिप्रेस होता था ना, तो मैं जो मेरा चमड़ा है ना, वो आप कह रहे थे मुझे एनर्जी देता है, तो जब मैं डिप्रेस होता हूँ तो मैं अपने कमरे में जाता हूँ, तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ, अपने कमरे से सवाल पूछता हूँ, यार अल्लाह ने मुझे क्या दिया हुआ है। अल्लाह ने हर इंसान को दो बाजू दिए हैं, दो टांगे दी हैं, हर चीज़ अल्लाह ने दी है, इनफैक्ट मुझे भी दिया अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह ने मुझे इनसे डिफरेंट क्यों बनाया। तो एक दिन मैंने अपने आप को तो शीशे के सामने पाया, तो शीशे से मैंने ये सवाल किया, यार अल्लाह ने मुझे क्या दिया हुआ है, तो शीशे ने मुझे बहुत ही प्यारा जवाब दिया। शीशे ने मुझे कहा, अल्लाह ने तुम्हें पेशे कुछ नहीं दिया, अल्लाह ने आप तो एक लेग भी नहीं दी, अल्लाह ने आपके बाजू भी नहीं दिया, लेकिन अल्लाह ने आपको तो एक चीज दी है, वो है तुम्हारा दिमाग। इसी दिमाग से अच्छा सोचो, इसी दिमाग से बड़ा सोचो, और इसी दिमाग से आप जो ना आधे 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 तक जो है सोचो, और यही दिमाग आप जो ना आधे तक लेते जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा मुझे मोहित ये बताओ कि ये तो तुमने बताया, लेकिन इतने सब काम के बावजूद कभी किसी ने तुम्हें रोका नहीं, कभी किसी ने तुम्हें डिप्रेस नहीं किया, कभी किसी ने कोई ऐसे लफ्ज नहीं बोले, ऐसे जुमले नहीं कसे, कुछ ऐसा नहीं हुआ? वो बाज़ औक़ात हम पंजाबी में एक जुमला होता है ना, रहने दे काका तेरे बस का नहीं है, किसी ने ये जुमला भी नहीं सही कहा बात, कि रहने दे काका तेरे बस का ये रोग नहीं है, तू क्या कर रहा है, ये कुछ ऐसा किसी ने नहीं किया, ये बस तुम चलते गए या लोगों ने कहा और तुमने उसके ऊपर अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। सलमान भाई ये दुनिया है ना, तो दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो हाँ, दुनिया में मुझे जब मैंने पहली बार जब स्कूल जाना स्टार्ट किया था, तो मैंने जब मेरा पहले दिन था ना, तभी मुझे जो है ना आपने डिप्रेशन था, मैं जो स्टार्ट हो रहा था, वो ऐसे में हुआ कि जब मैं पहली बार स्कूल गया, तो मैं तो डिफरेंट बच्चा था स्कूल में, मैं इस स्कूल में मैं पहला बच्चा था जो डिफरेंट बच्चा मैं भी मतलब मेरी जो नजर में आया हो, तो जब मैं चलता था, जो मैं स्कूल एंटर हुआ, तो मुझे बच्चों ने तरह तरह नाम दे दिए, या ये बच्चा मजबूर है, या बच्चा ये बच्चा ऐसा है, बच्चा वैसा है, तो मुझे जो ना बच्चा था मुझे इस चीज आइडिया नहीं था कि बच्चे मुझे क्या बोलते हैं। तो जैसे मैं बड़ा होता गया, जब मुझे इन बातों का इलम होना पड़ गया, या जो है बच्चे मुझे जो है मजदूर बोलते हैं, मजदूर मतलब ये होता है,
तो तब मैंने ना अपनी मामा से जो है, जब मैं डर जब मैंने मामा तो मामा मैंने जो है नहीं पढ़ना, मैंने तो मामा ने तो बेटा क्यों नहीं पढ़ना आपने, तुझे पढ़ाई आप जो है आते जो ले जाइए पढ़ाई आप जो है एक बड़ा इंसान बनाएगी। तो मैं था मामा मैंने जो है कुछ भी नहीं मानना, मैं ऐसे सही हूँ आप जो ना मैं मतलब घर में रहूंगा तो ताकि मैं लोगों से जो ऐसे बात है वो जो मैं नहीं सुन पाऊंगा। तो मुझे मामा ने ना एक बहुत ही अच्छा जो है जुमला दिया, मामा ने बेटा अल्लाह ने ना आपको हर इंसान को अल्लाह ने दो तान दिए हुए हैं, मतलब अल्लाह ब्लेस पीपल विद 2 ईयर्स। तो जो जो बच्चे जो आपको इंसान बुरा बोलते हैं ना उसको एक तान सुनो और दूसरे तान से बंद कर दो, और जो इंसान आपके बारे में अच्छा बोलता है उसको एक तान सुनो और अपने अंदर जो है ले दो। तो ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी, मैंने ये काम किया। अब अभी तक मतलब वो लोग हमारे हेटर्स हैं, मतलब लोग मुझे अभी भी चलती है मोहित भाई आप क्या काम कर रहे हैं छोड़ दे, बाकी दुनिया मतलब है दुनिया चल रही, आप भी कर रहे हो अपनी जो है अपनी अपनी हेल्थ तो दे, तो आपकी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो है लोग मुझे पीछे लाना चाहते भी, लेकिन मेरा जो है ना अल्लाह पर पूरा भरोसा था यार, अल्लाह अगर चाहते हैं तो मेरे थ्रू काम हो तो वो अल्लाह जो है करते जो था ना। तो अल्लाह मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह मुझे हिम्मत दे रहा है जो है ताकत दे रहा है जो है लोगों की मदद दे रही है, अल्लाह मुझे हिम्मत दे रहा है, मतलब मैं लोगों को सुनता जरूर हूँ, जो लोग हेटर थे मैं उनको सुनता हूँ उनको देखता भी हूँ, लेकिन इस्लाम भी चाह दिया खामोश रहना सीखो, जितना खामोश रहोगे ना उतना आप जो आगे बढ़ोगे। तो मैं यही करता हूँ जो हेटर्स हैं उनको मैं जवाब देने के बजाय मैं खामोश रहता हूँ, और अल्लाह शुक्र रहते हैं अल्लाह जो है ना मुझे अपने अपने जो है रैंप से जो है बरसाते हैं मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, आप बाज लोग ज्यादातर मेरे मेरे जो ऑडियंस है वो कुछ नई भी ऑडियंस है जो आपके बारे में कुछ नहीं जानते और जिन जिन्होंने आपके बारे में कुछ नहीं सुना या नहीं पढ़ा लिखा। मुझे ये बताओ कि एक्चुअली क्या आपको डिसेबिलिटी है और ये क्यों हुई, कैसे हुई और इसकी क्या वजह क्या थी, रीजन क्या थी? मम्मी मैं पहले अपना इंट्रो देता हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ आप सबकी तरह, अल्लाह ने मुझे भी यहाँ भेजा है, अल्लाह ने उससे भी मकसद बनाया हुआ है, तो मैं भी आप लोगों जैसा ये मकसद तो पूरा करने की कोशिश पूरी मैं कर रहा हूँ। वेल मेरा नाम मोहित शोतत है, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, ए लेवल से स्टूडेंट हूँ, मेरा ये फाइनल ईयर है इंशाल्लाह ताला। ये जब अल्लाह ने मतलब जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे जो थे पाँव थे अंगूठे टेढ़े थे, तो जब मैं चलता था तो मैं झेलता था, जब मैंने ये स्टेप देना तो मैं झेलता था बहुत ज्यादा, जिंदगी वजह से मेरे जो है ना फोर हेड में जो है ना बोन बनना शुरू हो रही, वही बोन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मेरे पूरे जिस्म में बनना शुरू हो रही, मेरे जॉइंट्स में बनना शुरू हो रही, जिसकी वजह से मेरे जो है जॉइंट ब्लॉक हो रहे पूरी तरह जो है ब्लॉक हो रहे। हम जब डॉक्टर हम जो है शुरू से हम जो है डॉक्टर पास जा रहे हैं, जैसे हम शुरू डॉक्टर पास गए जब ये मसला स्टार्ट हुआ था मेरा, तो डॉक्टर पास गए, डॉक्टर ने कहा आप जो है ना मोइस को जो है ना आज शूज पहनाए थे ताकि बच्चा जो है गिरे मत, तो गर्मियों का मौसम था मैं शरारती बहुत था तो मैंने शूज नहीं पहने थे, मैं शूज उतारते मैं जो है बांटता था बहुत ज्यादा, और जब मैंने बांधना है तो मैं जिन्ना है मैंने, या जब मैं चलना है मेरे जो है जिन्ना है मैंने, जिनने वजह से ये बोन जो है ना बढ़ती रही पूरे जिससे में जो है ना बोन बांधी मेरे और मेरे जॉइंट्स में बोन बांधी, जिससे वजह से जॉइंट मेरे जो है ना मतम्बल आप कहते थे मूवमेंट उसकी जो है ना एंड हो गई। जब डॉक्टर पास गए उनको बताया गया सारा था ये किस्सा भाई ये चीज हो रही है मोहित के साथ, तो डॉक्टरों ने मुझे ना मतलब एक डॉक्टर सब डॉक्टरों ने एक ही ओपिनियन दिया इस तरह ऑपरेट करवा। अब ऑपरेशन में मसला ये था कि ज्यादा चांसेस ये थे कि ऑपरेट जो ना कामयाब नहीं होता, क्योंकि इस जो है बीमारी का इसका तो इलाज नहीं पूरी दुनिया में, इससे जो है ट्रीटमेंट नहीं है, तो मतलब मेरे पेरेंट्स थे वो परेशान थे, एज ही बेटा हमारा तो वो भी अदर मतलब डिफरेंट बट डिफरेंट मतलब वो अदर वो बेटा पूरी तरह सही तरह जिंदगी नहीं जी पाया, तो मतलब बच्चा भी चाहता है जो हर बंदा जो ना पूरी तरह जो है लाइफ जिए, तो मेरे पेरेंट ने मेरा ऑपरेट करवा दिया, हमारे लाहौर में मेरा ऑपरेशन मेरा हुआ था, और जब लेफ्ट का मेरा ऑपरेट हुआ था ना मेरा जब पहला ऑपरेट मेरा हुआ था तो मसला ये हुआ था वो जो है ना 4 वीक्स के लिए बता आप कहने अराउंड 1 मंथ होते हैं हमारे पास मे भी जो है ऑपरेशन कामयाब हो जाए, लेकिन मसला ये हुआ था मेरे जो है 2 वीक्स के बाद मेरे जो है दोबारा वहीं जहाँ बोन बनी हुई थी लेफ्ट ज्वाइंट में वहाँ जो दोबारा बोन जो है बनना शुरू हो गई। अब इसका ये सीन ये थी मेरे जब टिश्यूज में जब मैं गिरता हूँ ना जब मुझे स्वेलिंग होती है मेरी, तो वो जो है ना जहाँ स्वेलिंग होती है वो वहाँ जो है टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और वो जो है ना उसमें वो जो है बोन बन जाती है। फिर ये मसला मेरे जो ये राइट आर्म साथ हुआ इसका भी हमने ऑपरेशन करवाया रावलपिंडी में, तो ये भी मतलब आहिस्ता आहिस्ता मतलब 1 महीना सही रहा मेरा, फिर आहिस्ता जो है वो बाजू नीचे आता है नीचे आता है वो जो है टोटली जो है डैमेज हुआ हो गया। तो अब जब मेरा अभी जो है मेरे बाहर जो डॉक्टर जो इस पर ट्रायल कर रहे हैं उनके साथ मेरे डॉक्टर में हूँ मैं, तो मुझे वो यही कहते हैं मोहित आप जो है कोशिश ये करो कि आपका ऑपरेट मत हो, क्योंकि अभी इसका अभी फिलहाल इतना ऑपरेशन है इतना जो है ना आप कहने के हाल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसका ऑपरेशन ही हल है, लेकिन हम चाहते हम जो है एक ड्रग बना रहे हैं एक मेडिसिन बना रहे हैं जो मेडिसिन आपकी हेल्थ करेगी वो बोन दोबारा जो है नहीं बने, तो मतलब ये होता है जब ऑपरेशन जब भी होता है बोन जो है दोबारा बनने के चांसेस आते हैं 99% होते हैं।
ओके बादल, ये जाहिर बात है अल्लाह ताला आपको जल्द इस मुश्किल से निकाले, और हमारी तरफ दुआ है। और आपने माशाल्लाह बड़ा जिस तरीके से आपने हिम्मत और हौसले के साथ काम किया है, ये किसी आम बंदे का रोग नहीं है, बड़ा सीधी सी बात है सही ये। बात है। और ये जिस तरीके से आपने हिम्मत हौसले के साथ लोगों को फेस करना सीखा है, मुझे ये बताओ कि ये लिखने का ख्याल 17 साल की उम्र में कहाँ से आ गया, और ये जर्नलिज्म और फिर किताब किताब लिखने का ख्याल आ गया, और अभी तो 17 साल की उम्र में तो बच्चा अभी जरा खेल कूद और ये और दुनिया देखना और नेट के ऊपर सर्फिंग और ये काम करता है, तो ये आपको सही बात। अचानक किस तरीके से लिखने का आया? सलमान भाई, मेरा जो है आप कह रहे हैं शुरू से ही मेरा जो है लिखने का और मतलब अच्छी बातें नॉलेज वाली बातें जो है सुनने का बड़ा शौक था। जब मैं बच्चा था ना, 5 साल पहले, आज 5 या 7 साल में मैं बच्चा था मैं, तो मैंने ना अपने आप में शीशे से, जब मैंने शीशे में जब जवाब दिया, जब दूसरी बार मैं ऊपर गया अपने रूम में, मैंने शीशे से सवाल किया मैं ऐसा क्या करूँ, तो मुझे जो है शीशे ने वही चाहिए, आपके पास अल्लाह ने एक बाजू जो है ना आपके पास है, जो थे लेफ्ट बाजू है आपके पास, उसी बात से आप जो लिखना स्टार्ट करो, लोगों का माइंड पढ़ना स्टार्ट करो, लोग आज दुनिया में क्या चाहती है, मतलब लोगों को तो क्या मसाइल आ रहे हैं, मतलब क्या मसाइल दरपेश हैं। तो जब मैं सोचा गया, जब मैं बड़ा हूँ मे भी और जो है नॉलेज मेरा बढ़ेगा, मैंने काफी पढ़ता गया मैं, मतलब एजुकेशन साथ जो है साथ साथ मैंने रखी एजुकेशन। जब मैं 15 साल का हुआ तो तब मैंने जो है देखता था जो है लोग बहुत ज्यादा लोग जो है डिप्रेशन का शिकार भी है, बहुत ज्यादा लोग एंगजाइटी का शिकार होते हैं, बहुत ज्यादा लोग है हमारी जो हुकूमत है हमें जॉब नहीं मिलती है, रोजगार जो है ना वो लोग जो है ब्लेम करते हैं हुकूमत पे, हम जो है ना हमारी जो जनरेशन है वो ब्लेम गेम जो है चल रही है आज बहुत ज्यादा। तो मैंने 15 साल की उम्र में मैंने जो है लिखना स्टार्ट किया मैंने, लेकिन मैंने तो यार मैं अपने जो मैं स्टार्ट करूंगा अपने बुक से, वो बुक का जो नाम उसका जो मैंने सोचा वो है द लॉज ऑनर ऑफ पाकिस्तान। क्या हमारे दोबारा जो दोबारा बुक दोबारा बताइएगा, नाम क्या कह रहे हैं आप? का नाम है द लॉज ऑनर ऑफ पाकिस्तान, इसमें मैंने ना अपनी जो मैंने मतलब मेरी मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है, मैं मतलब मुश्किल टॉप तो मैं गया वहाँ वाला, मुझे अल्लाह का शुक्र है, और उसमें मैंने जो लिखा हुआ है अल्लाह ने जो है कायनात बनाई है उसके पीछे जरूर एक मकसद है, आप उस मकसद को तलाश करें कि अल्लाह ने इस दुनिया में हमें क्यों भेजा हुआ है, इस दुनिया में हमारा क्या काम है, हमारा सिर्फ इबादत करना हमारा काम नहीं है, जो अल्लाह अगर इबादत चाहता हो तो अल्लाह फरिश्ते जो है नमाजें पढ़ा सकता था, अल्लाह ने हमें क्यों भेजा, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, हमारा मतलब अल्लाह ने इस दुनिया तो बनाया, कायनात बनाई, अल्लाह ने जो है पहाड़ बनाए, अल्लाह ने हर चीज बनाई है, उसके पीछे जरूर कोई मकसद छुपा हुआ है। तो मैंने जो है उस बुक में सब कुछ डाला हुआ कि मैं यहाँ जाऊँ, मैं यहाँ किस तरह जाऊँ, अल्लाह ने ये चीज बनाई, अल्लाह ने ये चीज क्यों बनाई हुई है, हमारे जो गवर्नमेंट है हमारी मतलब हम गवर्नमेंट तो चाहिए थे ऐसे जो नॉर्थन एरिया है उसको जो है प्रमोट किया जाए, चाहते लोगों को पता होना चाहिए कि अल्लाह ने इतनी जो है खूबसूरत जो है ना अल्लाह ने मतलब जो है अल्लाह ने मतलब चीजें बनाई हुई है, तो उस बुक में हर चीज जो है मैं ये डाली हुई है। अच्छा, तो मुइज आपने दूसरी बुक के ऊपर भी काम करे, दूसरी बुक किस टॉपिक पे लिख रहे हो? तो दूसरी बुक है मेरी ऑटोबायोग्राफी, मैं चाहता हूँ लोगों को अपने बारे में मैं भी बताऊं कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाऊं और आगे मेरे क्या प्लान्स हैं, मैं चाहता हूँ लोगों को जो है थोड़ा मोटिवेट किया जाए, क्योंकि ना हमारे आज की जनरेशन में मोटिवेशन की बहुत कमी है, हर बंदा चाहता है हमें जो है मोटिवेट किया जाए, उनको जो है पॉजिटिव एनर्जी मैं देना चाहता हूँ, ताकि जो भी मेरा जो भी मेरी बुक पढ़े उनको जो है थोड़ी मोटिव जो है ना पॉजिटिव वाइब्स उनको मिले, ताकि वो भी मतलब मैं भी जीरो इंसान था, मुझे कुछ नहीं पता था इस दुनिया के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता था मैंने आगे कैसे जाना, क्योंकि मैं तो डिफरेंट बच्चा था, तो उस बुक में डिफरेंट बच्चों के भी मैंने जो है ना अंदर मैंशन चाह रहा हूँ कि जो बच्चे डिफरेंट जो है ना अंदर उनको बनाता है, तो उनके लिए आगे जाने के लिए क्या रास्ता, वो रास्ता क्या अपनाया जाए उनसे उनके लिए, अगर वो जो है आगे कामयाब रहे। अच्छा मोइज, ये बताओ जिंदगी का ऐसा कौन सा लम्हा था जिस लम्हा तुमने ये सोचा कि यार बस अब कुछ करना है, अब वो वक्त आ गया है कि जब जो है ना मैंने इस लम्हे को, बंदा एक ऐसा लम्हा आता है ना इंसान की जिंदगी में, ये इंसान सोचता है कि यार बस अब दैट्स इट, यार अब बहुत हो गया, अब मैंने कुछ करके दिखाना है, वो ऐसा कौन सा लम्हा था, वो ऐसा क्या टाइम था? तो जब मैं बड़ा हो रहा था ना मैं, तो मैंने क्लास 8 तक तो आराम से मैंने पढ़ा मैंने, लेकिन आधे जो है फैसला एक फैसला होना था कि यार अब आधे तुम क्या चलोगे, मेरे पास 3 ऑप्शन रहे थे, पहली ऑप्शन थी आप मैट्रिक कर लो क्योंकि मैट्रिक बहुत ईजी, दूसरी ऑप्शन थी मुझे आप ओ लेवल कर लो, ओ लेवल टफ है लेकिन आप मे भी कर लो आप, और तीसरी ऑप्शन थी मेरे पास कि आप जो है कुछ भी ना करो बस करो, आपने क्लास 8 पढ़ लिया है हर इंसान के लिए अच्छा होता है, आप मैं आप तो जो है आप तो लोग यार आप जो है 8वीं पास हो, तो मैं तो नहीं यार बस बहुत हो रही है, मैंने आधे
पढ़ने मैंने, आधे पढ़ने मैंने, और इस इन चला इस बिना इस मूल का नाम जो रोशन करने, लेकिन इससे जो ना आप जब मैं ओ लेवल तक था ना, जब मैं इरादा किया ना मैंने, तो बहुत सारे लोग आए थे बीच में, यार इस बच्चे तो मत पढ़ाएं, पैसा वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है, हर चीज़ वेस्ट है, तो आप जो इस बच्चे तो जो है ना पढ़ाएं आप। लेकिन मैंने कोशिश करती अपने पेरेंट्स, तो मैंने जो ना उनको मुतमिन के लिए मैं इन चला पढ़ूंगा, इन चला आपका भी नाम रोशन होगा, इन इस मूल का भी जो है नाम रोशन जरूर हुआ, क्योंकि मैं मेरी जो है जान भी हाजिर है जो सबके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ इंसान जितनी खिदमत की जाए ना, उतना जो है ना हमारे लिए, मतलब हमें जो नेतियाँ जो है कमानी चाहिए, जो नेतियों का जो है सवाल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बात जो है सवाल होता, तो हमारा जो है ना फर्ज बनता है कि हम जो है इंसानियत की खिदमत खिदमत करें। और मैंने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, अल्लाह ने मतलब अपने बहुत ज्यादा हिम्मत दी मुझे, और मैंने जो है ना अपने पेरेंट्स को मैंने मुतमिन कर दिया, मैंने यार हाँ मैंने पढ़ना चाहता हूँ, मैं आधे और आधे जो है ना मैं पढ़ना चाहता हूँ। ओके ये बताओ, आपने एक एनजीओ बनाई हुई है मोइल शोकत ह्यूमैनिटीज के नाम से, और उस एनजीओ का क्या काम है, उस एनजीओ का क्या ऑब्जेक्टिव है? अब ये भी बड़ा एक माशाल्लाह अचीवमेंट की बात है कि छोटी सी उम्र में आपने एक एनजीओ भी खड़ी कर ली है और उससे बड़ा काम आप कर रहे हैं आजकल। आपने अभी मेरा ख्याल है कि तकरीबन 4700 फैमिलीज को राशन भी पहुंचाया है जी हाँ जी, इस कोविड के टाइम के ऊपर। तो क्या आप काम कर रहे हो इसके ऊपर ही, क्या इस एनजीओ का मकसद क्या था बनाने का, और ये किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रही है? मैंने जब ये एनजीओ के बारे में स्टार्ट शुरू किया था ना मैंने, तो मैंने ना मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था, तो मैंने जो है चौथ में छोटी छोटी बच्चियां मैंने देती जो थे भीख मांग रही थी, जिससे मुझे जो है दिल में बड़ा हर्ट हुआ, मैं था यार हम सबका हाथ बनता है पढ़ें, पढ़ाई से ये मुल्क जो है कामयाब रहेगा, तरक्की मुल्क तरक्की चलेगा सिर्फ पढ़ाई से, एजुकेशन बहुत जरूरी है सबके लिए। मैं उस बच्चे के पास जब मैं अपनी दाढ़ी से उतरा, उन बच्चों के पास जो है गया, उनसे मैंने जो है सवाल दिया यार आपका दिल नहीं पड़ता था पढ़ने का, तो मुझे बच्चे था मोहित भाई आपका नाम क्या, उनसे मेरा नाम पूछा, तो मैंने मेरा नाम मोहित है, तो आप जो मुझसे जो है मत पढ़ाओ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैंने जो है मतलब मैं भी पढ़ता हूँ, अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया, तो मेरा भी दिल करता पढ़ने का, मैंने अपने पेरेंट्स को जो है ना मुतमिन किया मैं मुझे जो है पढ़ाया जाए, तो उन बच्चियों से मैं आपसे बहुत जो है बहुत जो मैं क्लोज हो गया, तो उन्होंने मुझे जो है उन्होंने जवाब दिए थे, मुझे हमारा दिल करता है हम भी पढ़ें, हमारा दिल करता है हम भी जो ना आगे पढ़ें, लेकिन ना हम जो ना ये अफोर्ड नहीं कर पाते, एडुकेशन इतनी महंगी है, हम जो ना हमारे जो पेरेंट्स हैं वो जो है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनको मैं था आप अगर चाहती हैं पढ़ना तो अगर मैं आपको स्पॉन्सर करूँ जब पढ़ाने के लिए, तो क्या आप पढ़ना चाहेंगे, तो वो कहते थे मोहित भाई हमारे जो है ना हमारे धर्म में हम ये जो भी मानते हैं तुझे, इसलिए हम चाहते हैं हमारे जो है धर्म में जो ना आपने रोटी का जो ना बंदोबस्त हो जाए, तो मैं आप जो ना मैं अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवाओ, फिर मैं बच्चों के घर में दिया, जो 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 बच्चियां थी वो, तो उनके बाद जब दिया उनकी माँ बाप ने, नहीं हमारी बच्चियां जो है ना तो ये काम करें, हमारे बेटे पढ़ रहे हैं, बेटे पढ़े बच्चियां जो है मत पढ़े, बच्चियां का काम यही होता है, उन्होंने आज ज्यादा शादी जो हो जानी है, उन्होंने जो है ये काम जो है करना, तो आप जो ना हमें जो है ये मत सिखाओ, तो मैं कहता नहीं आंटी आप ये देते हैं कि हर इंसान का फर्ज होता है पढ़ना, बेचक वो जो आपका बेटा या बेटी हर इंसान का फर्ज बनता है पढ़ना, तो उन्होंने मुझे कहा मोहित हमारे जो है ना हजार से हालात ऐसे नहीं, हम जो हमारे 3 4 हजार बेटी हमारे 10 हजार ऐसे नहीं, हम उनको जो है ना मतलब फीस पूरे जो फीस हम जो है ज्यादा रहते हैं, हम तो हमारे हमारा अभी भी जो जा रहा है वो भी इतना कच्ची आबादी हमारा है, तो आप मतलब तुम्हें बताते आंटी आप जो है बच्चों की मतलब मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारा मेरा मैं बच्चों की जो है जल्द एडुकेशन में जो है मेरा बहुत फोकस है, हर पेरेंट्स अपने जो है बेटों को पढ़ाता है, लेकिन हर पेरेंट जो है बच्चों को जो है पढ़ाना वो कहते हैं यार बच्चों ने क्या जो है पढ़ा चढ़ना है, बच्चों का काम आ जाता है, उन्होंने चूल्हा संभाला आ जाता है, तो आप जो है बेटों को पढ़ाते हैं ताकि बेटे पढ़कर आगे बढ़े, जो बेटे ही होते हैं जो जी अपने रास्ते में बाप का बाजू जो है सहारा बनते हैं, तो उन तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मैंने जो है स्टार्ट किया 5 फैमिली से मैंने स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, तो 5 फैमिली में मैं जब स्टार्ट कर दिया, जब उन बच्चों को मैंने मतलब अच्छे स्कूल में उनको जो एडमिशन करवाया और उनके जो फीस है खर्चा था वो सारा हमारे ऊपर था, तो फिर मैं सोचा यार ये 5 बच्चियां जब पढ़ रही हैं तो मैं चाहता हूँ कि आधे और बच्चे भी पढ़े, तो पास में हर इंसान से फर्ज है पढ़ना आधे आगे बढ़ना, तो मैंने आज भी सब स्टार्ट किया, आज और लोगों से जब मैंने लोगों ने बताया ये बच्चा जो है ये बच्चा है ये बच्ची है पढ़ना चाहती है तो तुम जो है तो चढ़ दो, तो मैंने आज आज तक मैंने जो है ना ये 10 में दिया फिर 20 में दिया, फिर मैंने सोचा अपने तो मैं अपनी एनजीओ में खोल लूँ, एनजीओ में ये होता मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यार गर्ल्स एडुकेशन तो जो है ना प्रमोट किया जाए, तो इस मुल्क में गर्ल्स एडुकेशन जो है कोई प्रमोट नहीं करता, अगर जो करता भी है तो वो बहुत जो है आपने छोटे लेवल जो होता है, तो मैंने जो है गर्ल्स एडुकेशन के लिए मैंने जो है ये प्रमोशन के लिए मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली मैंने, तो फिर मैंने देखा यार इस दुनिया में
और भी जो है बहुत ज्यादा दुख है। जो लोग चाहते हैं हमारे जो है ना, आप चले दे महीने था, आप चले दे दुरुस्ती दे आज राशन दे आज महीने था, तो चाहते थे हमें जो है तो आप चले कोई अच्छी कंपनी में तो जॉब मिलते हैं, तो स्टोर जाती वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार चलो ये भी अपना जो है ऑब्जेक्टिव डाल लेते हैं। तो जितना ज्यादा इंसानियत की खिदमत की जाए ना उतना ज्यादा मतलब मेरे लिए भी अच्छा है। मुझे जरूरत है दो चीजों की, एक है दुआओं थी और एक है प्यार थी। अल्लाह चुता जब मुझे मतलब उनके जब मैं बच्चों से पेरेंट्स से मिलता हूँ तो मुझे मतलब इतनी दुआएं मिलती है, तो आपके दिल में जो है सुकून पैदा होगा, मतलब सुकून आता है दिल में। तो मेरा यही मोटिवेशन है इंशाल्लाह, जब से मेरी ये जिंदगी है इंशाल्लाह, मैं जो है ना एडुकेशन के लिए बहुत कुछ करूंगा इंशाल्लाह, हेल्थ के लिए बहुत कुछ करूंगा इंशाल्लाह, और जितनी मतलब आपने सांसें चल रही हैं मेरे जो है जान हाजिर है इंशाल्लाह इन सब के लिए इंशाल्लाह। ये मेरी तरफ से आपको सलूट है, यानी थैंक यू सो कि मच, इस थैंक यू, सब गॉड कुछ ब्लेस के यू। बावजूद, इस सब देखें, ये है एक्चुअल लाइफ। ये जो कुछ हम सही गुजार बात, रहे हैं लाइफ, जो कुछ हम जिंदगी गुजार रहे हैं, वो जिंदगी नहीं है। वो तो एक सही वक्त के बात है, साथ साथ जो कुछ चल रहा है, बस निजाम है, कायनात चला रहा है। अल्लाह ताला ने जिंदगी चलाई भी है, हम भी उसके साथ उसी जो है वो पानी में बह रहे हैं कि किसी ना किसी पार सही लग बात, जाएंगे। लेकिन असल काम जो है वो आप कर रहे हैं, यानी कि इस सब कुछ होने के बावजूद, हर्डल्स के बावजूद, कितना जबरदस्त तरीके से आपने एक एनजीओ का सेटअप स्टैब्लिश किया, उस एनजीओ को बनाया, उस एनजीओ के ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया, उसके गोल्स को सेट किया, और सेट करके मजीद आगे से आगे जो है वो आप बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, अब बिल्कुल मेरा ये सवाल है आपसे कि ये बताओ कि ऐसी कौन सा अपने जिंदगी में रोल मॉडल रखा था, या ऐसा कौन सा कोई इंस्पिरेशन थी कि जिसकी वजह से आप, जिसको आप रोल मॉडल रखते थे कि यार मेरा रोल मॉडल ये है और मैंने अपने आप को इन रोल मॉडल तक पहुंचाना है। सर, मेरा जो है सब जो रोल मॉडल जो है ना मेरा वो है आज़म मोहम्मद सलाम। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने लाइफ स्पेंड किया ना, उन्होंने हमारा सबसे फर्ज बनता है हम जो उनकी जो है ना अब चले जिन नशे चले हम जो चले, इनफेक्ट हमसे भाई ये बहुत मुश्किल चीज़ है वहां तक पहुंचना, जितने मैं माशा बोलते मैं प्रॉफिट थे माशा था। तो पहला तो यही है मतलब माशा था। दूसरे मेरे नाना वो मेरी मामा मुझे हमेशा बताते रहते थे कि आज जो नाना वो उन्होंने मतलब इंसान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, तो उनको जो है मैंने अपना रोल मॉडल बनाया मैंने। और जो तीसरे है ना वो मेरे हैं डॉक्टर ए क्यू खान, डॉक्टर अब्दुल सदीक खान, जो है साइंटिस्ट हैं एटॉमिक बम से। उन्होंने भी आप चले मुझे बहुत ज्यादा जो है ना आप चले इंस्पायर किया है, बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेट किया है, बहुत ज्यादा इंकरेज मुझे किया है कि यार आप बेटा आगे बढ़ो। ये मतलब अगर आप चाहो तो अगर आप चाहते तो यार मैं जी मजदूर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं जो है आगे नहीं बढ़ता, ये जो है सारे एक्सक्यूजेज हैं। तो आप आगे बढ़ो, अल्लाह का नाम लो, जो है बिस्मिल्लाह करो और आगे जो है बढ़ते रहो। जब भी हड़े जाती हैं उसको जो है अल्लाह तुम जो पेश करो, अल्लाह तो यार अल्लाह तूने संभालना, जो संभालना तूने संभालना। तो मैंने मतलब इन तीनों से नशे तो मैं अलहमदिल्ला चल रहा हूँ मैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मतलब साथ दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, क्योंकि हिम्मत ही बहुत जरूर होती है। तो अल्लाह शुक्र है हिम्मत मुझे मिल रही है और अलहमदिल्ला हम जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताओ कि नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हो, नौजवानों को क्या बताना चाहते हो कि यार वो क्या करें, वो सिर्फ ये कह देना कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, या इस चीज को ये मान लेना कि बस मेरी जिंदगी में और बड़ी मुश्किलें हैं, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, या ये कह देना कि मुझे तो अपनी जिंदगी में जीने की कोई इच्छा ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है, मेरे साथ तो कभी आज तक जिंदगी में अच्छा नहीं हुआ, तो हम पीछे हट जाते हैं। ऐसी क्या आप उनको बताओगे, ऐसी क्या उनको आप गाइड करोगे, मेंटोरशिप दोगे, क्या ऐसी बात उनको कहोगे जिसकी वजह से उनको ये लगे कि नहीं, उनकी जिंदगी में अभी बहुत कुछ और बाकी है करने के लिए। सलमान भाई सबसे पहले मैं जो है सबको मेरा एक पैगाम, पहला पैगाम ये कि यार जिंदगी में अगर कामयाब होना है ना तो देने वाले बनो। अब जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ आप पैसा दे सकते हो, अगर आप किसी को तो अच्छा मशवरा दे सकते हो वो भी देने में आ जाता है, अगर आप किसी किसी प्यासे तो पानी पिलाते हो वो भी देने में आ जाता है, अगर आप किसी भूखे तो रोटी पिलाते हो वो भी देने में आ जाता है, अगर आप किसी नाबीना शख्स तो सर पार चलाते हो वो भी जो है देने में आ जाता है। तो जिंदगी में ये जो है ना अपनाए देने वाले बने, देने से अल्लाह और जो है ना आपसे देता है। तो आप लोगों को तो देने तो अल्लाह आपसे जो है ना आपकी जो अल्लाह जो है रहमतें जो है बरसाते आपके ऊपर। तो पहली चीज ये थी देने वाले बन जाओ, और जितनी आपकी है कोशिश हमारा कोशिश करें तो हमारे हाथ में कोशिश है सिर्फ उतना सीधे आप जो है रब आपसे जो है देगा। दूसरी चीज ये है मेरी कि यार लाइफ में जो है कभी भी हिम्मत मत हारो,
मैंने भी, हाँ मैंने भी लाइफ में बहुत ज्यादा जो है ना आप कहने ऑब्स्टेकल्स मुझे आते रहे, मुझे अभी तक आते रहे हैं, यदि ये हिम्मत है मेरे पास, और जब तक ये हिम्मत है ना मेरे पास, कोई भी जो है ना कोई भी इंसान मुझे जो है ना पीछे जो है नहीं ला पाएगा, क्योंकि मेरे एक अल्लाह पर पूरा बहुत ज्यादा भरोसा अल्लाह पर, और दूसरा मेरे पे हिम्मत बहुत है मेरा अल्लाह का शुक्र है। तीसरा ये यार इस्लाम के बारे में जो है ना आप कह रहे हैं कि इस्लाम के बारे में पढ़े, इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह ने अगर हमें यहाँ भेज दिया है तो आप तो चाहिए आप मुसलमान हैं, तो यार नाम से मुसलमान मत बनो, इस्लाम के बारे में भी देखो, तो इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम क्या हमें सताता है, नमाजें पढ़ें 5 वक्त की नमाजें पढ़ें, तो ही चले 5 वक्त की नमाजें पढ़ें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, ये चीज जो है बहुत जरूरी है आप जो है लाइफ में कामयाब होने के लिए। चौथी चीज ये चीज यार अपने साथ जो है ना आप अपने आप जो है प्यार करें, जो इंसान अपने आप से प्यार करता है ज्यादा से ज्यादा वो इंसान दूसरों जो है प्यार कर पाता है। मैं अपने आप से मैं जब उठता हूँ शीशे में जो देखता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ यार मैं इतना खूबसूरत हूँ, अल्लाह ने मतलब इतनी खूबसूरत जो चीज बनाई है, तो अपने आप से जो है प्यार करें, बहुत आप प्यार करें, आप तो अल्लाह ने सब तो बहुत ही अच्छा बनाया माशाल्लाह से, अपने आप से जितना ज्यादा होता है अपने आप से प्यार करें, फिर ही आप जो है लोगों पर जो है प्यार, लोग जो है प्यार जो है कर पाएंगे आप। पांचवी चीज ये थी यार आप जो है ना बी काइंड टू योर सेल्फ, अगर आप अपने साथ काइंड है ना तो आप फिर ही लोगों साथ जो है काइंड रहेंगे, अगर अपने साथ काइंड नहीं है तो आप जो लोगों साथ जो है काइंड नहीं रहेंगे। छठी चीज मेरी ये है कि यार आप जो है ना मतलब इंसानियत की खिदमत करो, मतलब शुरू हो जाओ, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा कौन सा दिन आधे दिन है, मुझे भी नहीं पता मेरा कौन सा दिन आधे दिन है, अपने मैं जब भी उठता हूँ मैं तो यार मेरा मैं भी अदा लम्हा मेरा आखिरी लम्हा हो, अपने अपने अपनी जो है मौत को याद रखो, और जितनी अल्लाह ने आपको लाइफ दी है उसमें जो है ना कुछ अच्छा कर दो, ताकि आने वाली नस्ल से यार क्या बंदा था ये, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी तो हर पूरी दुनिया माशाल्लाह जानती है, अब्दुल सत्तार ईदी तो लोग यार ईदी क्या बंदा था, ऊपर तो जाते आते में जाते आप तो ये नहीं पूछ रहे अल्लाह से यार आपने जी इसमें क्या ग्रेड लिया, ग्रेड रियली डजंट मैटर, मैटर चलते आपका अमाल, आपने क्या अच्छाइयां की हैं, क्या नेकियां की इस दुनिया में, तो कोशिश ये करो यार दुनिया में दुनिया के लिए भी बहुत कुछ करो, लेकिन आखिरत के लिए जो है तैयार हो, जो आखिरत में जो जो मैं ये जो लाइफ हमारा टेस्ट है, और आखिरत में जब इसका रिजल्ट आना है ना, तो मुझे उम्मीद है मैं चाहता हूँ यार सबको तो मैं मतलब सबके हाथ में एक पेपर अल्लाह देते यार तुम जो है पास हो जाए, तो मतलब ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है अल्लाह जो है सबको जन्नत फिरदौस में जो है दाखिल करे इंशाल्लाह आमीन। और आपसे लास्ट मैसेज मेरा ये कि यार अपने जो आपके बहन भाई अपने पेरेंट्स हैं उनसे जो है प्यार करें, अपनी अपने जो है पेरेंट्स की जो है इज्जत करें बहुत ज्यादा ज्यादा, क्योंकि ये पेरेंट्स आपसे जो है सिंसियर होते हैं, आपकी फैमिली बहुत सिंसियर है आपके साथ, तो ट्राई ये करें कि आप जो है अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी फैमिली साथ जो है मोहब्बत करें, प्यार करें उनके साथ, उनके साथ जो है तभी भी आपसे मिसबिहेव जो है तभी ना करें उनके साथ, उनके साथ या किसी साथ जो है दुनिया में किसी साथ जो है मिसबिहेव ना करें, और अल्लाह शुरू करें बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव यू पीपल हैव, तभी भी नाशुक्री मत करें, तुझे नाशुक्री तुफड़ है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर अल्लाह ने आपको नया दिन दिया है, सांसें दी हैं आपको अल्लाह ने, आपको आंखें दी हैं, कान दिया, हर चीज सलामत दी अल्लाह ने आपको, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको हर चीज दी हुई है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें ना अल्लाह आपको जो है और नवाज दे रहा, तो ये मेरे आप चले थे पूरी दुनिया तो मेरा यही पैगाम था यार ये काम करें इंशाल्लाह, आप जो ना आप जो आप चले माशाल्लाह आप जो लाइफ आपकी जो है ना इंशाल्लाह जो सेट करें इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। आज की जो आखिरी अच्छी बात है वो ये है कि मेहनत इतनी खामोशी से करें, जो आपकी बात का लुबलुबाव है ना वो ये है कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी शोर मचा दे, सही बात है बिल्कुल कामयाबी शोर मचाकर बताए कि आपने इतने अरसे से आप मेहनत कर रहे थे। बार वंस अगेन मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मोहित शौकत आपका कि आपने अपने कीमती टाइम से वक्त सही निकाला और आप तशरीफ लाए हमारे शो में और इसको इसको बख्शा, शो की सीजन को बख्शा, और अल्लाह ताला आपको मजीद अच्छे काम करने की तौफीक अता करे और आपको मजीद आगे बढ़ने की तौफीक अता करे। थैंक यू वेरी मच, आमीन बहुत जज़ाकअल्लाह गॉड ब्लेस यू थैंक यू अल्लाह।